सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें एक कप आलू जो हमने काट के रखा है, एक बड़ा आलू था, इसको थोड़ी देर सौते करेंगे और साथ ही इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये भी एक बड़ा प्याज है और नमक और डाल के इसको चलाएंगे। तो थोड़ी देर हम चलने देंगे, ऐसे 4 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, तो आपको टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं क्योंकि आलू प्याज हमारे पक गए हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, आलू बिल्कुल गल गए हैं। अब हम इसको एक अलग से पैन में निकाल लेंगे छोटे से, क्योंकि इसको हमने गैस फेंटेंगे, हमें उसमें मिक्स करना है इसको। ये हमारा तैयार हो गया, इसको अलग रख लेते हैं, एक नया पैन लेते हैं। पैन ऐसा लेना है जो थोड़ा सा किनारों से उठा हुआ हो, बिल्कुल फ्लैट नहीं लेना है। इसमें ऑयल डाला, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला और एक तरफ हम 3 eggs फेंट लेंगे। एक आलू, एक बड़ा प्याज और 3 अंडे और काली मिर्च। ये लिया इन तीनों को, 3 eggs को फेंट लूँगी मैं और उसमें मैंने आलू प्याज और ये पत्ता गोभी डाल दी, एक बाउल पत्ता गोभी भी डाली है। तो 3 चीज़ें होगी हमारी, प्याज, आलू और पत्ता गोभी, इन सबको अब हम मिक्स कर लिया और अब हम इसमें डाल देंगे। ये सारा का सारा 3 अंडे और 3 चीज़ें हो गई, ये सब इसमें डाल देंगे और इसको चला देंगे और इसको हम ढक कर रख देंगे। 4 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे, पूरा टाइम से चलेंगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। बीच बीच में हम देखते रहेंगे कि किनारों के साथ चिपका तो नहीं हुआ है। इसमें नॉनस्टिक पैन ही लेना है हमें। ये बिल्कुल उठा हुआ है, इसको ढक देंगे, 4 मिनट होने देंगे। 4 मिनट के बाद हम देखते हैं, 4 मिनट हो गए हमारे। अब हम इसको पलटे से तो पलट नहीं सकते हैं, पूरा भारी हो गया ये, तो हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, फिर हम गैस बंद करें, एक प्लेट रख के और इसको उल्टा कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक साइड से बिल्कुल पक गया। अब हमारे को दूसरी साइड से पकाना है, तो इसको हम काफ़ी मोटा बनाएंगे। अब हम गैस वापस जलाएंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए और पका देंगे। ये देखो कितना मोटा बना है, अगर हम पलटे से पलटे तो नहीं फट जाता वो। ये स्पेनिश ऑमलेट है हमारा। अब ये बस 2-3 मिनट होने वाले हैं, अब हम इसको ऐसे ही प्लेट में सीधा निकाल लेंगे और जैसे केक के पीसेस काटते हैं ऐसे पीसेस काट के सर्व करेंगे टोमेटो सॉस के साथ। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, दिखने में भी अच्छा लग गया है, बिल्कुल पक गया है ये देखिए।